आपका पैसा है, आप लोन लिए हैं, सरकार ने आपको लोन दिया है, सधाना आपको है, ये दलालों का पैसा नहीं है, ये किसी का पैसा नहीं, बिचौलिया का नहीं है, ये तो कहावत हो गया, कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला। इसलिए आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी बिचौलिया को, अन्य किसी भी वार्ड का जो भी लोग है, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जनता के कार्य के लिए सरकार पैसा दे रही है, डायरेक्ट जनता के हाथ में मिलना चाहिए। और जनता से भी अपील करेंगे, किसी भी बिचौलियों को, किसी दलाल को एक रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी तादाद में आए हुए ये तमाम लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं। इन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले 3 लाख रुपए के लोन से इनकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी और इनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये सीतामढ़ी नगर निगम का वार्ड नंबर 38 है, जहां वार्ड 38 के पार्षद प्रतिनिधि नौशाद आलम सुभानी पिछले कई हफ्तों से कैंप लगाकर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना सहित अन्य कई मामलों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। गांव गवई से लेकर शहर तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले स्कीम की बड़ी धूम चल रही है। तमाम लोग इस योजना से आकर्षित हैं और उन्हें लगता है कि ये योजना उनकी जिंदगी बदलने में एक कारगर मील की पत्थर साबित होगी। गांव गवई से लेकर शहर तक अधिकतर लोग इस योजना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, बस उन्हें ये मालूम है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लोन उन्हें कैसे मिल जाए। वो दर बदर भटक रहे हैं और कई सारे बिचौलियों से भी बातें कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जितने सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को लोन मिल ही जाए। लोन के लिए सरकार के दिए गए मानकों पर खड़े उतरने वाले लोगों को ही लोन मिलना है। अब एक और सवाल, सीतामढ़ी नगर निगम वार्ड नंबर 38 के पार्षद प्रतिनिधि नौशाद आलम सुभानी कहते हैं कि इस लोन के तहत कई सारे बिचौलियों ने उगाही शुरू कर दी है। बिचौलिए इस तरह से एक्टिव हो गए हैं मानो बिचौलिए ही लोन दिला रहे हैं और उन्हीं की वजह से लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लोन मिलना है। बिचौलिए 10,000 से लेकर 30, 40 और 50,000 तक की उगाही की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले 3 लाख रुपए में से आधे पैसे, इट मीन्स कि 1,50,000 रुपए सब्सिडी होंगे। मतलब कि इतने पैसे सरकार आपको माफ़ कर देगी या आपके बदले सरकार चुकाएगी। आपको 1.5 लाख रुपए ही किस्त के तहत वापस सरकार को करने हैं, लेकिन ये पैसे आपको वापस करने हैं। सरकार लोन आपको दे रही है, सरकार लोन की बाकी रकम आपसे वसूलेगी, इसलिए इसमें बिचौलियों का क्या काम। कोई भी बिचौलिया ना तो आपका लोन करा पाएगा, ना आपके योजना सैंक्शन करा पाएगा। आप अगर इस योजना के लिए बिल्कुल खड़े उतरोगे, आपको ये लोन मिल जाएगा, जिसमें बिचौलियों का कहीं कोई काम नहीं। आइए आम लोगों से जानते हैं उन्हें इसके बारे में क्या जानकारी है। ठीक काम हो रहा है? ठीक काम हो रहा है। कितना नंबर वार्ड है ये? 38 38 38 है। अच्छा, कौन है वार्ड कमिश्नर? वार्ड नौशाद। पैसा कितना दिल को? एक रुपया भी नहीं है। फ्री सेवा कर रहा है, फ्री सेवा, एक रुपया नहीं है। सेवा कर रहा है तो पैसा क्या चीज के? पैसा लेके वोट दिए, लेकिन फ्री में दिए ली? नहीं, फ्री में दिए थे, एक रुपया नहीं दिए। क्या चीज का पैसा? अच्छा, फ्री में वोट दिया तो फ्री में काम हो रहा है? फ्री में सब काम सरकारी, वोट दिए फ्री में काम करवाएंगे, पैसा दे के बेटा। बहुत अच्छा आदमी है, लड़का है, अभी तो बहुत बढ़िया है। जैसे क्या नाम है? कामेश्वर राम। कामेश्वर राम, किस काम से आए हैं? लोन लेने बिजनेस के लिए, पैसा के लिए आए हैं। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए? जी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में? जी। अच्छा, तो अप्लाई हो गया या हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। कितना पैसा लिया जा रहा है पर आदमी से? 4 आना पैसा नहीं बेटा, 4 आना नहीं, मतलब 400 रुपया? नहीं नहीं ले रहा है, 1 रुपया नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है? नहीं, फ्री में हो रहा है जी। और जगह तो पैसा लिया जा रहा है? हाँ, लिया जा रहा है। तो ये कितने नंबर वार्ड में काम हो रहा है? ये
38 का 38 का है। कौन कौन सा काम होता है यहाँ पर? राशन कार्ड बन रहा है, लोन वाला काम हो रहा है, सब फ्री में हो रहा है। फ्री में हो रहा है? झूठों का कि सच्चों का? सच्चों बोल रहा है। झूठ काहे के लिए बोलेगा बाबू, झूठ काहे के लिए बोलेगा, सच बोलते हैं सब। अच्छा, तो अप्लाई करने के बाद फिर क्या होगा? अप्लाई करने के बाद क्या होगा, मिलेगा सब। अच्छा, इसलिए अप्लाई करने आए हैं। इस तरह से काम हो रहा है। ये वार्ड नंबर 38 में नगर निगम सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोन देने के लिए आवेदन यहाँ दिया जा रहा है, और उद्यमी योजना मुख्यमंत्री का लोन के लिए भी यहाँ काम हो रहा है वार्ड नंबर 38 में, और राशन कार्ड के लिए भी काम हो रहा है, और वृद्धा पेंशन के लिए काम हो रहा है, आयुष्मान भारत के लिए काम हो रहा है, वृद्धा पेंशन के लिए भी काम हो रहा है, विश्रम कार्ड के लिए भी काम हो रहा है। जो आदमी को वृद्धा पेंशन मिलता था अब बंद हो गया, उसके लिए जीवन प्रमाण पत्र का भी यहाँ सुविधा निःशुल्क फ्री किया जा रहा है। सब कुछ फ्री कर रहे हैं? सब कुछ फ्री। इस वार्ड में एक रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं। मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमारे यहाँ लोन से पहले भी एक रुपया नहीं देना है, लोन के बाद भी एक रुपया नहीं देना है। अगर कई सारे इलाकों में लोन के नाम पर अलग अलग पंचायतों से, शहर के वार्डों से ये खबरें आ रही हैं कि लोन के नाम पर लोगों से 10,000-20,000 रुपया पहले वसूला जा रहा है, वो सब गलत है। जनता इस जागरूक हो कि ये प्रधानमंत्री का योजना है, ये मुख्यमंत्री का योजना है, जनता के जन जन तक फ्री में पहुंचाना है और जनता का सहयोग करके पहुंचाना है। फिर ये वार्ड में अगर पैसा लेता है तो वो गलत तरीके से पैसा ले रहा है। कई सारे बिचौलिए एक्टिव हो गए हैं, वो दलाल टाइप के लोग हैं, जो लोग दलाली का पूर्वज शुरू से करते आए हैं, आज भी दलाली कर रहे हैं। पूरे पूरे जिला का ये रिपोर्ट है। हाँ, जहाँ जहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ मिसौल गोट में इस तरह का प्रक्रिया नहीं है, खासतौर से वार्ड नंबर 38 में पूरी तरह से फ्री किया गया है। तो सरकार का ये जो योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसमें तो हर जगह से खबर आ रही है। अब हर जगह के तब है, हम बात नहीं कर सकते। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी नहीं लिया जा रहा है, बाद में फिर? ऑन वीडियो रिकॉर्ड है, इससे पहले भी मैंने अपने आईडी से पोस्ट किया था कि लोन सेंशन होने के बाद भी एक रुपया नहीं लिया जाएगा, और उससे पहले भी लोगों का जो प्रक्रिया में तो अप्लाई किया, इनके कागजात में जो खर्च आएगा, आपने जिस ऑपरेटर को बुलाया है जो काम करवा रहे हैं, तो उसका खर्च कौन देगा? मैं दे रहा हूँ। आप देंगे? वार्ड नंबर 38 के कार्यालय से पे किया जा रहा है, ये निजी खर्च से किया जा रहा है, किसी जनता का एक रुपया नहीं लिया जा रहा है, किसी बेचौलिया को बीच में रखा नहीं जा रहा है। डायरेक्ट मैं स्वयं बैठकर सुबह 11 बजे से लेके दिन